हेत बता ना, तुझे मेलोडी की आवाज सुनाई दी ना, है ना? अरे नहीं, ओके ग्रेट, लेकिन जब मैं प्राची को ऐसा बोलूंगा तो उससे मेलोडी जरूर सुनाई देगी। एंड वो मुझे फौरन हाँ बोल देगी। है ना? सैम, नाउ स्टॉप ऑल दिस। प्रपोज करना, टेबल बुक करना, तू और प्राची, ये सब बहुत हो गया। ऑन अ सीरियस नोट, नाउ स्टॉप इट। मिस्टर राहुल मेहता, ये कैसी रिसेप्शनिस्ट रखी आपने? वेरी फनी। मैं कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं, इस कैफे की पार्टनर हूं। हेतल, तुम पार्टनर हो इसलिए तुम्हें और भी वार्मली ग्रीट करना चाहिए कस्टमर्स को। समीर हमारा आज का रॉयल कस्टमर है, पूरी इवनिंग के लिए टेबल बुक कर रहा है, डबल पेमेंट देने को तैयार है। सो जस्ट डू एज ही सेज। दैट्स स्ट्रेंज, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए, ये ठीक नहीं कर रहा। आई डोंट यू अंडरस्टैंड, प्राची का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। Stop all of this. अरे मैं क्यों बोलूं? और इनफैक्ट तुम्हें भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। समीर और प्राची एडल्ट्स हैं, अपना भला बुरा खुद समझ लेंगे। You just relax. नहीं, मैं चुपचाप बैठकर शाम का तमाशा बंदे हुए नहीं देखने वाली। अभी सब कुछ क्लियर करती हूँ। प्राची, नाउ जोक्स अपार्ट, सैम को साफ साफ बता कि तेरे रिकी का क्या स्टेटस है। व्हाट डू यू मीन, क्या स्टेटस है? मतलब कि रिकी तेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं? ऑफ कोर्स रिकी मेरा बॉयफ्रेंड है। सुनिए राहुल, सो व्हाट, मुझे पता है प्राची का बॉयफ्रेंड है, बिग डील। कैसे भाई हो तुम? तुम्हारा छोटा भाई एक ऐसी लड़की को प्रपोज करना चाहता है जिसको ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, और तुम मुझे कह रहे हो बिग डील? व्हाट? सैम मुझे प्रपोज करने वाला है? एग्जैक्टली, मेरा भी यही रिएक्शन था जब मुझे पता चला। अब तू ही सैम को बोल दे कि ये सब करके कोई फायदा नहीं होने वाला, तू उसे कभी हाँ नहीं बोलेगी, बिकॉज यू लाइक रिकी, राइट? Excuse me. So Prachi, here is a deal. तू मुझे बहुत पसंद है। I know कि तेरा एक रिकी है, लेकिन तेरे लिए मैं हजारों रिक्की शिक्की से डील करने के लिए तैयार हूं। एक काम करते हैं, हम दोनों कुछ टाइम के लिए एक दूसरे को डेट करके देखते हैं। अगर हम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चलता रहा तो तू अपने बॉयफ्रेंड को मना कर देना, ठीक है? एंड आई एम फाइन विद यू टू टाइमिंग में। So guys and girls, can you please help me here? Wow, go for it, Prachi! 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 ये तुझे two timing करने की permission दे रहा है। ऐसा लड़का आसानी से नहीं मिलेगा। Go for him! Go for him! जल्दी आप बोल दे! जल्दी आप बोल दे! Go for him! Go for it, Prachi! Go for him, 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 Prachi!
ओके सैम, मेरी हाँ है। ये सब मेरी वजह से कर रहा है ना, सो आई स्टॉप यू राइट हियर। तू प्राची को डेट नहीं करेगा एंड दैट्स फाइनल। ओके, तो क्या तू मुझे डेट करेगी? करना चाहता है या एड्स को? ओके गाइस, एक्सक्यूज मी, ओके गाइस, तो मैं आपको बताता हूं हमारे समीर मेहता की ट्विस्टेड लव स्टोरी। सो हमारे ये सैम एंड हेट्स कॉलेज के दिनों से, मतलब कि पिछले 6 सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ मनी मन। होता है ना आंखों ही आंखों में होने वाला प्यार, जिसमें कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सिर्फ फील करता है। ओल्ड फैशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल 70s के जमाने का बॉलीवुड वाला प्यार। और हेतल को डेट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हेतल उससे बटी नहीं रही है। ओह कम ऑन हेट्स, पट जाना यार, सैम इज सो क्यूट। चल हेड्स, ऑनलाइन ही डेटिंग कर ले सैम के साथ। तो बताओ हेड्स, मेरे छोटे से, नन्हे से, प्यारे से, क्यूट से भाई को डेट करोगी या नहीं? It's not fair, Rahul. हाँ या ना? हेट्स, जो तेरे मेरे बीच में है, दैट इज समथिंग अमेजिंग। डोंट गेट स्केयर्ड, से यस। नो, no ifs, no buts, hates. This time a final clear-cut answer. Say yes or no. तू मुझे डेट करेगी? नहीं सैम। क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बदला। I still hate love stories. और मैं लव जैसे frivolous emotion को अपने लाइफ पे कंट्रोल करने नहीं दूंगी।
इसलिए मैं कुछ भी कभी हाँ नहीं बोलूंगी, कभी नहीं। Go for Prachi. Yes, Samir. Prachi is so cute. Just go for her. ठीक है। मैंने भी डिसाइड कर लिया। मैं प्राची को डेट करूंगा। अच्छा, अरे वाह परिणीता, तू तो छा गई। बहुत बहुत बधाई हो, तुझे भी और किंचुक भाई को भी। अच्छा सुन, मेरे फोन पे अपने फोटो जरूर भेज देना। हाँ, क्या करूं, मन तो मेरा भी था आने का, लेकिन इन्हें एक जरूरी काम आ गया था। कोई बात नहीं, हम अगली बार जरूर आएंगे। जय श्री कृष्ण। अरे यार गायत्री, बाहर आओ। क्यों बाहर आऊं मैं? क्योंकि मुझे पता है तुम अंदर बैठकर रो रही हो, इसलिए कह रहा हूँ बाहर आ जाओ। हाँ तो आपको मेरे रोने से क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है, बाहर आओ। देखो गायत्री, प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे देर हो रही है। लो, आ गई मैं बाहर। अपने दिल पे बिना बोझ लिए घूमने चले जाइए। अरे मैं कोई घूमने वूमने नहीं जा रहा हूँ। अरे पूना के ब्रांच वाले MD मुंबई आए हुए हैं, उनके साथ डिनर मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। हाँ तो जाइए ना अपनी मीटिंग पे, आपको किसी ने रोका है क्या? मुझे रोना क्यों आ रहा है ये जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें रोना क्यों आ रहा है, पर मैं क्या करूँ, मैं फिर भी जब तक तुमसे पूछूंगा नहीं, जब तक तुम मुझे थोड़ी खरी खोटी सुना नहीं दोगी, ताने नहीं मार लोगी, तब तक तुम ठीक नहीं होगी। तो सुना लो, बोलो दो ताने। हाँ हाँ, सिर्फ मैं ही आपको ताने मारती रहती हूँ, है ना? और आप तो कुछ करते ही नहीं है। क्या किया मैंने? अरे तुम्हारी ये वैलेंटाइन डे वाली डांडिया प्रतियोगिता वाली बात मुझे बचकानी लगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले गया। तो कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने? वैलेंटाइन ना प्यार का दिन होता है, सिर्फ एक आप ही है जिसको ये सारी बातें बचकानी लगती है। किंचुक भाई भी तो गए थे ना परिणीता को लेके, रितेश भाई, कीर्तन भाई सब गए थे अपनी अपनी बीवियों को लेके। 2 घंटे का तो उत्सव था, अगर आप चले जाते तो कौन सा भार टूट पड़ता? किंचुक भाई और परिणीता ये प्रतियोगिता जीत भी गए, डांडिया मंडली ने उन्हें वैलेंटाइन का सबसे अच्छा जोड़ा बना दिया। अगर हम गए होते ना तो हम भी ये प्रतियोगिता जीत सकते थे। अरे क्या प्रतियोगिता प्रतियोगिता लगा रखा है तुमने? अरे उम्र देखो अपनी, 19 साल का बेटा है तुम्हारा, ये सब शोभा नहीं देता तुम्हें। किंचुक भाई और परिणीता की 30 साल की बेटी है, फिर भी वो गए ना प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। तो तुम्हारे किंचुक भाई और परिणीता पागल हो रहे हैं इस उम्र में, हम भी उनकी देखा देखी में पागल हो जाए। अपनी बीवी के साथ प्यार का दिन मनाना ना कोई पागलपन नहीं होता। पूरी दुनिया वैलेंटाइन दिन को प्यार के दिन के रूप में मनाती है, पर आप जितना चिढ़ते हैं ना इस दिन से, मुझे पूरा यकीन हो गया है आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं है। देखो गायत्री, तुम्हारी अगर ऐसी सोच है ना तो मुझे तुम्हारी सोच पर अफसोस है, और मैं ना इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं।
बेचारे समीर चाचू, इतना सब कुछ होने के बाद भी हेड्स को रोते हुए नहीं देख सकते, कितने सैड लग रहे हैं वो। सैड भी और हेल्पलेस भी, ना अंदर जाके उसे अकेले चुप करा सकता और ना यहाँ रह के बह सकता। लव इज सो कॉम्प्लिकेटेड ना चाचू। तुझे इन सब में बसने की जरूरत नहीं, तू अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट कर। अरे चाचू यार, मैं यहाँ कैफे में पढ़ाई तो नहीं करने आया ना, कैसी बातें करते हो आप। ठीक है ठीक है, जबान में थोड़ा कॉफी और केक ऑर्डर कर, मैं चाचू को देखता हूँ। Thank you so much. It's so kind of you. It's so kind of you too. तुम समीर चाचू की इतनी मदद कर रही हो। समीर चाचू? Oh sorry. Hi. उदय। मैं उनका नेफ्यू। नाइस टू मीट यू उदय। नाइस टू मीट यू टू। मैं आपके लिए केक और कॉफी लेके आऊं। आप? कम ऑन, यू कैन कॉल मी टू। कूल, तो मैं तेरे लिए वैलेंटाइन स्पेशल केक और कॉफी लेके आऊं। श्योर। अब एक्सक्यूज मी, ये तुम किसी के लिए? टाइम दे, अकेला छोड़ ठीक हो जाएगी। मैं उसे अकेला ही तो नहीं छोड़ सकता भाई, ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं। I can understand. मैंने बेकार में इसको इतना रुला दिया। I'm feeling very guilty. आखिर हेतल इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? तुझसे इतना प्यार करती है तो रिलेशनशिप से भागती क्यों है? ये जैसी अपनी बड़ी बहन की वजह से हेज की दी का एक बहुत ही ट्रैजिक ब्रेकअप हुआ था। वो जिस लड़के से प्यार करती थी, उस लड़के ने उनसे बिना वजह ब्रेकअप कर लिया था। और उस ब्रेकअप के बाद से हेज की दी बिल्कुल शार्टर्ड हो गई थी, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। हेज के डैड ने सोचा कि उनकी शादी करा देंगे तो वो ठीक हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उनकी शादी फिक्स कर दी। लेकिन हेज की दी शादी वाले दिन भाग गई घर से, और उस वजह से उसके डैड को हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। इसलिए हेज अपनी दी से नफरत करती है और प्यार से भी नफरत करती है।
थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें एग्जैक्टली बुरा किस बात का लग रहा है? तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि प्राची का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है फिर भी समीर उसके साथ है, या फिर तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम्हारे अलावा समीर किसी और के साथ है?